हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, राज्यसभा पासेस बिल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी और ईसी, तो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन। देखते हैं क्या है। द राज्यसभा ऑन ट्यूसडे पासेस द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल विच विल गाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी एंड द इलेक्शन कमिश्नर ईसी इन फ्यूचर। Denying the opposition's charges that Supreme Court was being kept away from the process of selecting the CEC and the EC, Union Law Minister Arjun Ram, just a second, Union Law Minister Arjun Ram Meghwal said the bill had been prepared following a direction from the Supreme Court. Mr. Meghwal said that so far the appointment had not been guided by any law, and the bill made the process transparent. ठीक है? The Law Minister said, the 1991 Act did not have a clause related to appointment of the CECs and ECs. He said the names of the commissioner had to so far been decided by the government, and from now on, a search and selection committee would look over the process. A clause related to protection from initiation of legal proceedings against the CECs and ECs of the action taken while carrying out their duties has also been introduced through the bill. Apparently, accepting suggestions from the former CECs, the centre brought two amendments, bringing the protocol of CEC and ECs on a par with Supreme Court judges, with similar salaries and emoluments. The opposition wanted to send the bill to select committee, but this was rejected by the House. The opposition questioned the intention of the centre. Congress General Secretary Randeep Singh Surjewala, who initiated the debate, said the bill violated the कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वायलेशन हो गया इसमें? सब्जुगेटिंग ईसी इलेक्शन कमीशन। इट कम्प्लीटली नेगेट्स द नेगेट्स एंड सब्जुगेट्स द इलेक्शन कमीशन टू अथॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड इट डज अवे विलिंगली मेलिशियसली द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दैट इज वाई द लॉ इज पर से लाइक स्टिल बॉर्न चाइल्ड ही सेड। एन इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म वुड गारंटी स्विचिंग of even the prospect of bias. This is what this government is afraid of. I am saying it with a sense of responsibility, for they don't want an independent election commission. CEC and EC, they want through a pocket bro. Mr. Surjewala said, adding that the process was arbitrary, the intent was malicious, and the result was disastrous. That is what's going to happen, he said. अब देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है क्या। सबसे पहले हमें देखना है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर इलेक्शन कमिश्नर और अपना इलेक्शन कमीशन, ये क्या है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में इनसे रिलेटेड प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 324 क्या है, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और जैसे जैसे इस बिल के ऊपर कोई भी अपडेट आएगी, न्यूज़पेपर में आएगा, मैं क्लियर करते रहूँगा, उसको कवर करते रहूँगा। तो ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये कह रहे हैं। और देखियो, ये होता ही है, सेंटर कुछ करती है, अपोजिशन ठीक उसको अपोजिट कहती है। यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में ये रिवर्स भी होता तब भी यही होता, लोग अपने हिसाब से काम करते, ये लोग उसको गलत बोलते सही बोलते, और ये कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा तो देखेंगे ही, सेंटर पर है तो, और अपोजिशन वाले वो देख नहीं पा रहे हैं कि उनका फ़ायदा हो रहा है। कोई भी पार्टी हो, काम ऐसे ही होता है। तो हमें इसके डिबेट में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि एग्ज़ाम से हमारे क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि हम यहाँ पर जाके कोई सुधार कर पाए, जो पूल यहाँ पर बैठा है उसमें हम कुछ सही चीज़ कर पाए। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें बाद में क्लियर होंगी, पर ये चीज़ हमारे लिए बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।